नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही उन्होंने इसका लुत्फ भी उठाया। पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बलून सफारी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने इसका लुफ्त भी उठाया। आपको बता दें, मनोरंजन सुविधा न केवल आगंतुकों को मौजूदा गतिविधियों से परे नई पर्यटन गतिविधियों की पेशकश करेगी, बल्कि उन्हें पिंजौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होने की भी अनुमति देगी। पिंजौर में हॉट एयर बलून के उद्घाटन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हॉट एयर बलून की एक परियोजना की शुरुआत हुई है। इसका अनुभव बेहद अच्छा रहा है। निश्चित रूप से इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। 13,000 प्रति यात्रा प्रति व्यक्ति टिकट का चार्ज है। इसमें एक्सपर्ट लोग हैं और सुरक्षा प्रमाण पत्र इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, मेरे से ज्यादा थकावट तो आपकी हो गई। देखिए, बहुत अच्छा ये अपने आप में एक अनुभव है। और हमारे यहाँ हरियाणा में हॉट एयर बैलून बातचीत तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन एक निश्चित तिथि पर इनको भी एक मौसम की आवश्यकता होती है, एक स्थान की आवश्यकता होती है, तो पिंजौर स्थान को इसके लिए चुना गया। और मौसम चूंकि इनको विंटर सीजन की आवश्यकता होती है, जो हवा की डायरेक्शन है, और हवा भी तेज हवा ना हो उसी में बैलून चलता है। बैलून को कंट्रोल करने में अप और डाउन तो ये लोग कर सकते हैं गैस के साथ, हॉट एयर के साथ, लेकिन उसकी डायरेक्शन निश्चित रूप से हवा के साथ चलती है। कहीं भी ये डेस्टिनेशन अपना लेके चलते हैं, लेकिन हवा का रुख बदल जाए तो निश्चित रूप से बदल जाता है। हम लोग जहाँ से चले, डेस्टिनेशन हमारा एयर स्ट्रिप था, लेकिन बीच में ऊपर जाने के बाद इनका कि हवा की डायरेक्शन बदल गई है, तो कहाँ जाएंगे? पिंजौर गार्डन जाएंगे। तो हमने गाड़ी अपनी पिंजौर गार्डन में गए, फिर से हवा बदली, फिर कहा अब जो हम थोड़ा सा जा सकते हैं एयर स्ट्रिप की तरफ, लेकिन समय पूरा होने के बाद जहां भी इनको सेफ जगह मिलती है सेफली उतारने का इनका पूरा जो अभ्यास है कैप्टन का, मुझे अच्छा लगा बहुत। तो यहां पर सेफ जगह देख करके, क्योंकि 15 मिनट जो है जगह को ढूंढना पड़ता है इनको, कौन सी सेफ है, कहीं वायर नहीं है, पेड़ नहीं है, नीचे जमीन ठीक है, उस नाते से उतरे। और ऊपर जाने के बाद बहुत एक वातावरण ऐसा शांत और चारों तरफ के जो दृश्य दिखाई दिए, वैसे तो हम हेलीकॉप्टर जहाँ से सब दृश्य देखते ही हैं, लेकिन इतना निकट से लगभग जमीन से और 200 मीटर 150 मीटर 300 मीटर ऊपर नीचे जा करके इन्होंने जो एक अनुभव कराया, बहुत ही रिमार्केबल। इसको एडवेंचरस टूरिज्म के नाते से हम संज्ञा दे सकते हैं। और ये इलाका वाइल्ड एनिमल्स बहुत दिखाई दिए नीचे जो, और जहाँ कहीं इस प्रकार की जो सफारीज हैं, जो इस प्रकार का जो वन का जो क्षेत्र है उसमें इसका आनंद बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि अंदर जा करके वन में तो शायद इतना हम आनंद भी नहीं ले सकते, ऊपर से सारा कुछ दिखता है। कई जगह हमें डियर देखे, खरगोश देखे, कई ऐसे जानवर देखे। कब तक सफारी में इतना लुप्त उठाया है सर? ये पिंजौर में तो शुरू हुई है सर, हिमाचल का गेटवे कहा जाता है पिंजौर को, सब तो ये कामयाब है सर हरियाणा जब तक शिमला और हिमाचल का, और ये कॉम्पिटिटिव थी जो इन्होंने अध्ययन किया है, जो कंपनी है जो चला रही है उसमें सब अध्ययन करने के बाद ही चलाते हैं। उनका एक कमर्शियल एक एक्टिविटी है, और इसकी फीस भी इनका रेट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, ताकि उसको सारे अपने खर्च को निकाल सके। अभी हमने पहले 2 साल के लिए इनको BGF इस नाते से जो इनका लॉस होगा, नुकसान होगा, हमने तय किया कि हम देंगे, और 2 साल के अंदर अपने इस वायबिलिटी को देख करके इसको आगे वो बढ़ाएंगे। 2 साल तो पूरा निश्चित रूप से चलेगा, और इसके बाद अगला डेस्टिनेशन भी ये ढूंढ रहे हैं कि जो हम जंगल सफारी बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है, इनको मिल सकता है।
कोई वैली हो, पहाड़ी हो, उसके साथ इनको डायरेक्शन हवा की ठीक मिल जाती है। और दिन में ये चलता नहीं है, क्योंकि दिन में जैसे ही सूर्य उगता है फिर हवा जो है बहुत तेजी से अदल बदल होती है। इस कारण से इनका जो मॉर्निंग ये समय या फिर सनसेट के समय शाम को, ये दो समय इनके होते हैं। और ये बड़े जो होटल्स हैं, बड़े जो ऐसे टूरिस्ट जो आते हैं विदेशों के, उनके ऊपर इनका बिजनेस ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि मुझे लगता है इनकी टिकट भी शायद कितनी, 12-13 हज़ार, 13,000 पर आर इनका टिकट का रेट है, पर राइड पर आर। मतलब आपने पर्यटन के नजरिए से हरियाणा में कई शुरुआत की, वो नहीं कि चेकर की बात करें तो वहाँ पैराग्लाइडिंग से लेकर एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत हुई, दम दबा जगह की बात करें अन्य जगहों पर, कोई मानते सके पर्यटन के नजरिए से हरियाणा के तमाम क्षेत्र हम घूम सकते हैं। देखिए, पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और देश और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ जो लोग एक दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो पर्यटन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। एक कनेक्टिविटी भी बढ़ के लोगों की आपस में बनती है, और बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनका आर्थिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इस पर ही टिकी है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा तो बने नहीं है, लेकिन चौके पहाड़ के साथ हमारा प्रदेश लगता है साथ साथ, तो पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं हैं, उसको हम कर रहे हैं। आज भी हथनी कुंड में जो बैराज है, उस बैराज का जो पानी है, उस पानी में वाटर स्पोर्ट्स का एक नया प्रकल्प आज भी शुरू करने वाले हैं, और इसका लुत्फ जो है सब लोग उठाएंगे, और निश्चित रूप से आपको भी इसका आनंद लेने के लिए हम कहेंगे। सर एक आम वाला आपका अवसर की लगी थी जो साइकिल ट्रैक बनाने की बात काटी है, काम चल रहा है, उस पर अध्ययन चल रहा है। कहीं ना कहीं रोड साइड पर जो इंटरन रोड्स हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है, लेकिन जो पैदल ट्रैकिंग के कई रूट्स ऐसे मोरनी के एरिया में तलाश कर लिए गए हैं जिसके अंदर लोग ट्रैक करते हैं। होम स्टे पॉलिसी इसमें बहुत अच्छा हमारा जो काम करेगी, ताकि लोग जाएं कहाँ भी, यही घरों में एक या दो कमरे लोगों को उनको दिए जाए, उसका परमिशन दी जाए, ताकि वो लोग घरों में इन टूरिस्ट को रोक सके, उनको भी एक रोजगार मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि पराली को लेकर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं, इस पर राजनीति करने वालों को किसी तरह से कोई लाभ नहीं हो रहा, बल्कि उसका उन पर असर पड़ रहा है। हमने हरियाणा में बेहद कुछ नियंत्रित किया है, पराली एक व्यावसायिक उत्पाद बन गया है और इसका मूल्य मिलता है। सीएम ने ये भी कहा कि हम सभी से अपील करेंगे कि वो भी सरकार का सहयोग दे, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो राजनीति ना करे। तो वातावरण बड़ा अच्छा था, दिल्ली एनसीआर ने पोलिटिकल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी फटकार लगाई पराड़ियों के मुद्दे पर, खुद जज साहब ने कहा कि हमने बिना पराड़ियां जलती देखी, आप क्या कहेंगे? देखिए, कई वर्षों का ये विषय हम लगातार इसको देख रहे हैं, हरियाणा ने बहुत उसमें काम किया है, और इस बार पूरे जो सीजन में कोई 1500 के आसपास ऐसे पराड़ी जलाने की घटना हरियाणा में हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में तो कई हज़ार हैं वो, और उसका जो ध्यान जितना रखना चाहिए वो हर सरकार को रखना चाहिए। और पॉल्यूशन कोई किसी एक स्टेट का विषय होता है ऐसा नहीं है, पूरे रीजन का विषय है, और पोल्यूटेड एयर जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसका असर हरियाणा पर भी पड़ रहा है, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। तो मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि उनको भी इसी प्रकार का मैयस लेने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से एक कंसर्न है कि हवा ठीक हो, लोगों का रहन सहन ठीक हो, तो इसको मिलकर के ठीक करेंगे। हमने तो कहा हमारे भी कोई सहयोग सहायता की आवश्यकता, हम करने के लिए तैयार। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल और इसल को लेकर बैठक करने को सवाल पूछा जाता है, तो अरविंद केजरीवाल उस बैठक से, मैं किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि हम तो यही कहते हैं भाई आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, इनको किसी प्रकार की हमारी आवश्यकता हो तो हम उसको सहयोग करने के लिए तैयार। चारों तरफ जब हम ऊपर से जा रहे थे तो रास्ते में भी हर घर पर जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के निवासी हैं, तब ऊपर चल करके वेव कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो अपने आप एक नया एक प्रयोग है, तो सब लोग को अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार लोगों के बीच पहुंचते हैं, सौगात देते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा प्रशासन को भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। हॉट एयर बलून सफारी का उद्घाटन किया गया है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जनता इससे लाभान्वित होगी और लोग इसका मजा भी उठा सकेंगे। प्रयास संभव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी चाहते हैं कि आम जनता का विकास हो, यही कारण है कि कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, जिसका फायदा भी आम जनता तक पहुँच रहा है। तो हरियाणा में पर्यटन की दृष्टि से आज का दिन बहुत बड़ा रहा। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का
उद्घाटन किया है, ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन की दृष्टि से बेहद बड़ा दिन रहा। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का उद्घाटन किया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मोरनी के बाद पर्यटन की दृष्टि से हथिनीकुंड नया केंद्र बना है। इस उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने जेट स्कूटर बोट और मोटर बोट की सवारी का भी आनंद लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। सीएम मनोहर लाल यहां पर सैर का मजा लेते भी नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने जेट स्की का भी आनंद लिया और वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद लिया। आज हरियाणा विभाग की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा हमको जानकारी है कि आज प्रातःकाल सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिसका हमने आज उद्घाटन किया, लॉन्च किया, वो हॉट एयर बैलून पिंजौर से एक साइट से वो शुरू किया और 45 मिनट की एक हॉट एयर बैलून की जो फ्लाइट है उसकी राइड हम लोगों ने ली, उसको लॉन्च किया है। एक फ्लाइट उसकी सुबह चलेगी, आवश्यकता पड़ने पर शाम को भी चल सकती है। अच्छा, वो एक एडवेंचरस एक प्रकार सा वो एक प्रोग्राम है और टूरिज्म के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, खास करके जो जो हाईली पेड जो भी सर्विसेज हैं उसमें इसको गिना जाता है। 13,000 रुपये एक राइड का 45 मिनट का उसका जो उन्होंने किराया रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने पहली बार इसको शुरू किया है और गेटवे ऑफ हिमाचल के नाते से पिंजौर एक ऐसा स्थान है कि वहाँ बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ हथनीकुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, तो ये दोनों चीज़ें, ये एक वाटर बॉडी हमारी यहाँ ये हथनीकुंड का जो बैराज है इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिकर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है, ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज़्यादा बड़ी है। इसमें बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का उत्तराखंड का ये रास्ता है, तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने इस नाते आज शुरू किया है। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट उस पर विचार किया जा रहा है, इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से इस पर रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहे हैं या इस पद इस यात्रा में एक अगला कदम, अच्छा कदम। सर, सर जब आपने अभी खुद राइड किया, क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पानी के अंदर राइडिंग करना ये ठीक है कि पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट पलट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ चूँकि रक्षा जो टोली होती है साथ, वो साथ में रहती है और जो उसके एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो भी साथ में होते हैं, लेकिन बेझिझक मैंने उसको चलाया है, मुझे कहीं किसी किस्म की। सर, जंगल सफारी शुरू की गई है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जंगल सफारी का एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और टूरिज्म अपने आप में न केवल अपने प्रदेश देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर दुनिया भर से लोग इस टूरिज्म की, अच्छे टूरिज्म की, इको टूरिज्म की चीज़ों की तलाश करते हैं। जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ा है वहाँ वहाँ उनकी एक प्रकार से प्रगति, अच्छी प्रगति, आर्थिक प्रगति हुई है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। सर, ये दिल्ली के नज़दीक है, आपने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अनाज मंडी में कहा था कि नहर के साथ साथ हम एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे जो दिल्ली, यूपी और उत्तरांचल को, उत्तराखंड को बेनिफिट देगा, क्या उसका कोई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और चर्चा भी उसकी चलती है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी, क्योंकि हैवी कॉस्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमारे नितिन गडकरी बहुत रुचि दिखा रहे हैं और कभी भी उसके बारे में कोई प्लान बन सकती है। पर्यटन के लिए यमुनानगर, यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद किया और सौगात भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय यमुनानगर दौरे पर हैं।
दौरे के पहले दिन सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि पटियाला से पेहवा, पेहवा से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तक के फोर लेन की रोड को लेकर केंद्र सरकार से बात हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धा अवस्था की पेंशन को लेकर जो समस्या ग्रामीणों की थी उसे दूर भी किया है। चले कागज हमें पहले भी बहुत दिए पेंशन, ठीक है, पर किसी ने आज तक लिख कर नहीं देता कोई, ठीक है, बिल्कुल ठीक, समझ गया। आज आपने कागज दे दिया, वहीं दिए जी, मतलब हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? बाबू राम है जी। लिखो भाई बाबू राम, आप बनू बाबू राम लिखो, और ये बाबू राम वाला जो कागज है निकाल के मुझे देना। और आज आप मान के चलना, आज किसी दफ्तर में नहीं दे रहे, आज आप मुख्यमंत्री के हाथ में कागज दे रहे हो, ठीक है? तो यहाँ इस सभा का विषय नहीं है, यहाँ तो सिर्फ प्रतापनगर और आसपास के गांव के लोग, ताकि यहाँ जो अधिकारी हैं वो सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। रेवाड़ी वाले मामला तो लिख के मुझे दोगे, मैं फिर बात करके आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ, इनको कागज दे दो, इनको जो समस्या है कागज दे दो, लिख जरूर देना क्या समस्या है, खाली मत दे देना। करना पड़ता था नौकरी के लिए, क्या कर रहे थे? पैसे दे रहे थे। अब जो सरकारी नौकरी कोई ले लेता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, अब पैसा नहीं देना पड़ता। हालांकि मेहनत करके पढ़ाई तो उसको करनी पड़ेगी, पढ़ाई में कंपटीशन पूरे प्रदेश में, जो ऊपर आएंगे वही करेंगे। फिर भी जितनी नौकरियां लगी हैं, मेरे हिसाब से अगर इस जिले की मैं बात करूं तो इस जिले में भी 1962 नौकरी हरियाणा की सरकार की लगी है, सचिवालय अकेले की, अलग से नहीं लिखी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगी होगी 5-7 को। 1962 जब सारे जिले के लगे तो यहाँ भी लगी होंगी, ज्यादा ही होंगी। लेदर खदरी गुड़िया लड़कियों की, लड़कियों की सर, कहाँ से कहाँ तक? देवदर के लिए, यमुना से देवदर, तो देवदर से और आगे भूड तक कर दो उसको, या हैदराबाद तक उसको भी कर दो, प्रतापनगर तक एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, यानी जो बच्चियां, क्या चाहिए लड़कियों के लिए अलग करो, बाकी जनरल कर दो। मैं वही कह रहा हूँ, लड़कियों की स्पेशल अलग कर दो, लड़कियों के लिए। चलो आप नंबर लेकर के, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमने हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कह दिया है कि कितने बच्चे किस गांव से आते हैं, वो एक चार्ट बना करके आप लोगों को बताएंगे रोडवेज को, जहां जिस रूट पर 50 बच्चे हो जाएं उस रूट पर एक अलग से बस मिल जाए, ठीक है? हाँ, बच्चे 10-15 हैं तो बस नहीं भेजेंगे, ठीक है सर? फिर वहां कोई ऑटो है, कोई फोर व्हीलर है, कोई मैक्सी कैब है, बहुत ऐसे वाहन है, नहीं तो 2 ऑटो में आ जाएंगे। बस के लिए और मिनी बसें हैं आपके पास? 5 बसें नहीं है। हाँ, तो जहाँ बच्चे 25 है तो वहाँ मिनी बस का चक्कर लगा दो, ठीक है सर? है ना, तो ये बसें सारी मिनी बसें भी, और सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर जनसंवाद करते रहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल और सिरसा पहुंचे थे जनसंवाद करने के लिए, जहां पर उन्होंने सौगात भी दी। मुख्यमंत्री का ये स्वभाव है कि जहां पर भी वो जाते हैं लोगों के बीच बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और समस्याओं का निपटारा भी मौके पर ही किया जाता है। जनसंवाद की खासियत ये भी है कि मुख्यमंत्री यहां पर अधिकारियों को भी आमंत्रित करते हैं, ताकि अधिकारी भी आम जनता की समस्या को सुने और उसका समाधान करे। तो मुख्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जगहों पर लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर उनका निपटारा भी किया जाता है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में जनसंवाद करते नजर आए थे। अलग अलग जगहों पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना था, वहां पर वो एक्शन मोड में भी नजर आए। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने लापरवाही बरती थी उन पर तुरंत ही गाज गिरी थी। इसके अलावा लोगों ने जो समस्याएं रखी उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, जो मांगे रखी गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उन मांगों को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम किए। सीएम ने सेक्टर 13 में वार्ड नंबर 10 के बाद रतनगढ़ गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। जनसंवाद में आई तकरीबन सभी शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। सीएम का पहला कार्यक्रम सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में था। सीएम ने लोगों से खुले मंच से बातचीत की और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र के साथ सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेशवासियों की सेवा में दिन रात काम कर रही है और हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल के बच्चों के लिए भी बड़ी घोषणा की। रतनगढ़ गांव से 50 के करीब बच्चे प्रेमनगर में पढ़ने आते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार से बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही इस योजना को उन्होंने कहा कि वो पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। जिले में 2 नवंबर को हुए अंत्योदय महासम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण अंत्योदय महासम्मेलन का कारण है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग वार्डों में जनसंवाद के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहा कि यहाँ केवल कर्म के लिए ही वो आए हैं, इसीलिए पिछले 9 साल में समाज के अंदर की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले 9 साल में सरकार द्वारा कई समस्याओं का समाधान किया गया है। कुछ समाज की समस्याओं की पहचान की गई, जिस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है उसकी पहचान की गई। मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को हुए अंत्योदय महासम्मेलन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 करोड़ गरीब लोगों को इसका लाभ मिला है। कुछ लोगों के राशन से लेकर उनके इलाज तक का लाभ सरकार की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। वो खुद 17 से 18 घंटे दिन में काम करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। जनसंवाद के माध्यम से पता चल रहा है कि समाज में किस तरह की समस्याएं हैं, जानकारी के बाद समस्याओं को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ कर्म करने से मतलब है, ऐसे ही नहीं गीता की धरती पर जन्म लिया हम सब लोगों ने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समाज के अंदर जो कुछ गड़बड़े हैं उनको सेट करना, सिस्टम को बनाना 9 साल से लगे हैं। इस 9 साल में व्यवस्थाएं ठीक की है, पहचान की है कौन जरूरतमंद आदमी है, इसको सरकार की मदद की जरूरत है, ये पहचान की है। और आपने तो 2 दिन पहले पूरा दृश्य देखा है ना करनाल में, अंत्योदय महासम्मेलन जो किया उसमें लोगों को लाभ पहुंचाया, 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचाए हम किसी भी रूप में, वो राशन से लेकर के और लाखों रुपए का इलाज एक एक व्यक्ति का वो भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल तो मैं 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने काम की बात पर। जैसे अपने को पता है कि जनसंवाद के कार्यक्रम हम लोग पूरे प्रदेश में शुरू किए हैं पिछले 5-6 महीने से, और उसमें से लोगों का पता लग रहा है कि कौन सी चीज हम कर रहे हैं उन तक पहुंच रही है। कई बार हम अपने यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के अच्छी योजनाएं बना लेते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि नीचे पहुंची कितनी है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन सी कहाँ रुक गई, कौन से नियम के कारण से रुक गई, कौन सी कानूनी अड़चन आ गई, कहाँ व्यवधान डालने वाले का कोई व्यवधान डालने में रुचि होती है कि मैं इसको रोक के रखूंगा तो थोड़ी मेरी जेब होगा। मुख्यमंत्री द्वारा जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी और नागरिकों की समस्याएं करीब से जानने के लिए शुरू किए गए जनसंवाद कार्यक्रम के अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं को दूर करना और मांगों को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। जनसंवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी भी इन जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार शिकायतों का समाधान करते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, ये दावा सरकार का है। हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।